नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार जेके इलेक्ट्रॉनिक्स से। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक एलजी का अल्ट्रा स्लिम सीआरटी टीवी की किट है। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें डीएफ डालते के साथ ही ये इसका ये डीएफ को तुरंत उड़ा देती है। तो दोस्तों आज मैं इसके बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा कि ये किसकी वजह से इसका डीएफ उड़ रहा है और हमें इस फॉल्ट के लिए क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो पर आप शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये इसमें क्या फॉल्ट है और ये इसका हल कैसे निकालें। तो मैंने सबसे पहले इसको पावर दे दिया और इसी सबसे पहले मैं सप्लाई चेक करता हूँ कि इसमें सप्लाई ज़्यादा तो नहीं बन रही। देखिए दोस्तों, इसमें सप्लाई हमारी प्रॉपर बन रही है। इसमें 120 के वोल्टेज के आसपास हमारे वोल्टेज बन रहे हैं और यहाँ पर भी हमारे 120 वोल्टेज के आसपास प्रॉपर बन रहे हैं। तो दोस्तों मैंने ये किट पलट लिया। दोस्तों डीएफ उड़ने के हमारे कई कारण हो सकते हैं। अगर हमारी ये सप्लाई 110 की सप्लाई ज़्यादा बनेगी तो भी हमारा डीएफ ये उड़ जाएगा, या फिर हमारी ईएसटी ख़राब हो तो भी हमारा डीएफ उड़ जाएगा, या फिर हमारे पीएफ में कोई प्रॉब्लम हो, वीक हो या फिर ओपन हो तो भी हमारा डीएफ उड़ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर जो हमारा कोई किट सीआरटी टीवी किट डीएफ को लगाते के साथ ही उड़ा देती है तो सिर्फ उसमें हमारी ईएसटी ख़राब न होने के चांस हो जाते हैं। अगर जो इसमें ईएसटी ख़राब बहुत ही कमी से निकलती है, अगर जो हमारी किट कोई सीआरटी टीवी किट डीएफ लगाते के साथ ही और पावर देते के साथ ही तुरंत उड़ा देती है तो उसमें हमारे ज़्यादातर पीएफ ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। तो इसमें ऐसे ही हो रहा है, इसमें डीएफ डालो तो तुरंत ये डीएफ उड़ा देती है। तो इसमें जहाँ तक है पीएफ ही ख़राब होगा कोई, तो दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम हो और ये डीएफ क्यों उड़ा रही है। अगर दोस्तों मैंने ये वाला पीएफ भी ओपन कर लिया है और एक ये वाला पीएफ ओपन कर लिया है, तो मैं ये दो पीएफ हैं तो इनमें से मैं एक एक चेक करके देखता हूँ कि इसमें से कौन सा पीएफ ख़राब है और ये किसकी वजह से डीएफ उड़ा रही है। दोस्तों मैंने ये वाला पीएफ चेक किया तो ये वाला पीएफ हमारा सही बता रहा है, जो कि जिसकी वैल्यू है आप देख पा रहे हो, मैं जूम करके दिखाता हूँ, 133 जे 2000 वोल्ट। ये पीएफ हमारा ओके है और ये वाला पीएफ दोस्तों हमारा ओपन बोल रहा है। ये वाला पीएफ यहाँ जो लगा हुआ है, ये वाला हमारा पीएफ ओपन बोल रहा है और अब हम इसको रिप्लेस करके देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमारी किट की क्या पोजीशन है, ये हमारा फॉल्ट डिक्लेयर होता है या नहीं होता है। दोस्तों फाइनली हमारी किट ठीक हो गई है। इसकी जगह मैंने 474 630 वोल्ट का पीएफ लगाया है इसकी जगह, तो मैं अब आपको इसको चालू करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों वर्टिकल पर भी हमारे वोल्टेज आ गए हैं, ये 14 वोल्टेज बन गए हैं। तो दोस्तों अगर जो आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।